नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा का जनपद प्रथम आगमन पर नगर के रोडवेज स्थित एक सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन आजमगढ़ मऊ पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इसके पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष का हाफिजपुर चौराहे पर शैलेन्द्र अग्रवाल, आशुतोष पाठक, राहुल गोयल, प्रदीप अग्रवाल, संदीप सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। व्यापार मंडल गीत रश्मि डालमिया, विभा अग्रवाल और अनुपमा द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अतिथिगण को अंगवस्त्र माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्वागत से अभिभूत प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने कहा कि व्यापारियों के हितों को लेकर संगठन तत्पर है, प्रत्येक सूरत में व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित निदान कराया जाएगा। श्री मिश्र ने यह भी कहा कि 3 दिन पूर्व सूबे के मुख्यमंत्री से शनिवार की बंदी को समाप्त करने के लिए लिखित मांग की गई थी, जिस पर विचार करते हुए मांग को स्वीकार कर लिया गया है। मैं विनोद कुमार अग्रवाल, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आजमगढ़ हूँ। आज जो ये बैठक रखी गई है उद्योग व्यापार मंडल की, ये आजमगढ़ और मऊ की संयुक्त बैठक है। इसमें जनप्रतिनिधि आए हुए हैं जो मंडलों के हमारे अध्यक्ष हैं, और इसमें मार्गदर्शन जो प्राप्त हुआ है वो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय मुकुंद मिश्र जी हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सुनील पांडे जी और संत मिश्र जी कानपुर से लोग आए हैं। तोमर जी हमारे मऊ के जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश के भी उपाध्यक्ष हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। और व्यापार के कुछ समस्याओं के बारे में व्यापारियों ने भी अपनी बात रखी है और हम लोगों ने भी उसको रखा है, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको बड़े ध्यान से सुना और उसके विषय में उन्होंने मंच से सबको संबोधित करके बताया। 3 बातों को वो सरकारी स्तर पर ऊपर ले जाएंगे और कहेंगे, और तमाम समस्याओं का निदान करने के लिए उन्होंने कहा है। जैसे महंगाई की चाहे मैटर हो, चाहे कोरोना का मैटर हो, चाहे GST का मैटर हो, चाहे इस प्रकार की कोई भी व्यापारिक समस्या हो, तो प्रांतीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम उन चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी से शासन में रखेंगे और उसका निराकरण कराने का प्रयास किया था। अभी ये उन्हीं की देन थी कि जो 2 दिन की बंदी थी शनिवार रविवार का, वो उन्होंने प्रयास किया और शनिवार को बंदी समाप्त की गई है, अब केवल रविवार को बंदी होगी। देखिए, कोरोना के बाद में जो व्यापारियों की स्थिति है बदले स्वरूप है, इन सबको जानने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए ये पूरा प्रदेश का हमारा दौरा चल रहा है। पश्चिम का हमारा पूरा दौरा पूरा हो चुका है, अब ये दौरा पूर्वांचल में चल रहा है और भी चलेगा। इसमें कोरोना के बाद में जो व्यापारियों को समस्याएं आई हैं वो ले करके सब जानकारी करके हम सरकार के बीच जा करके अपनी बात रखेंगे, उनको मनवाने का कार्य करेंगे, और जो व्यापारी समस्या है वो सरकार को इत्तला करने का कार्य करेंगे। इतनी बड़ी महामारी के दौर पर व्यापारी गुजरे और अभी भी कुछ पाबंदियाँ इस तरीके से चल रही हैं, इसको लेके क्या इनके लिए आप सरकार से मांग करेंगे किसी तरह की राहत पैकेज, या जैसे बिजली बिल आया बंद काल में? नहीं नहीं, हमने समय समय पे मांग की है इस राहत पैकेज की। व्यापारियों को MSME का दर्जा प्राप्त हो, इसके लिए हमने मांग की थी, सरकार ने मानी है। लेकिन अभी हम लोगों ने 9 तारीख को वेबिनार की थी, केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल हुए थे, और भानु प्रताप वर्मा जो MSME मंत्री हैं, हमने उनसे कहा था, सरकार ने तो घोषणा कर दी है लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी बैंक के मैनेजर व्यापारियों को लोन देने में हिचक रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था की जाए कि सरकार ने जीओ कर दिया लेकिन अधिकारी उसको फील्ड पे मानने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं बिजली के लेकर के,